हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी अभी आरआरबी की साइट पे एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। आरआरबी ने अपनी साइट पे एक नोटिस दिया है जिसके अंदर उन्होंने ये सारा कुछ बता दिया है कि वो कैसे कैसे अपनी जो होता अपॉइंटमेंट लेटर है और जो ज्वाइनिंग है उसको कैसे तेज़ी लाएंगे उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ताकि सभी कैंडिडेट को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल पाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी साइट पर जो नोटिस दिया है उसके अंदर बताया गया है कि जो 35,281 वैकेंसीज आई थी आरआरबी एनटीपीसी के अंदर, उसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जा चुका है लेवल 6 से लेकर लेवल 2 तक, जिसकी भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर क्या बोलते हैं उसे, मेडिकल चल रहा है सभी का। ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया और कुछ कुछ का इम्पैनलमेंट भी हो चुका है। इसके अंदर उन्होंने लेवल 1 के बारे में भी बताया है कि लेवल 1 जो है आरआरसी, इसके अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, उसका भी सीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरह से कंडक्ट करा लिया जा चुका है, जिसका रिजल्ट दिसंबर महीने में आपका एक्सपेक्टेड है पीईटी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उन्होंने बताया है कि आरआरबी और आरआरसी जितने भी हैं उनको ये बोला गया है कि रोजगार मेला जो है हर महीने जो लगाया जाता है उसके अंदर क्या बोलते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के कैंडिडेट को हम लोग अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले अभी आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का जो है वो इम्पैनलमेंट हो चुका है, जिसके उन्हें रोजगार मेला के अंदर अपॉइंटमेंट इशू करा दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जितने भी और लेवल रहते हैं उनके भी हर महीने करा लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपका ग्रुप डी का है वो भी अप्रैल महीने में है, तो उसका भी करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है सारा कुछ इसके अंदर कि हर महीने रोजगार मेला सरकार जो है वो कंडक्ट करवा रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें भी यही बताया गया है और ये बताया गया है कि जनवरी 2023 तक लोअर लेवल के इम्पैनलमेंट हो जाएंगे सबके। और लास्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि लेवल 5 का जो है और लेवल 1, लेवल 5 इंक्लूडिंग लेवल 1, इसके भी मेडिकल में तेज़ी लाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, और रेलवे हॉस्पिटल को ये बता दिया गया है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को एक दिन के अंदर उनका मेडिकल करा लें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में आपको देख सकते हैं कि लेवल 1 का जो रिक्रूटमेंट है उसको अरेंजमेंट किया गया है पीटी को जनवरी 2023 के लिए। फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो अप्रैल 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये थी बहुत ही बड़ी अपडेट जो आरआरबी ने सारी चीज़ें अपनी नोटिस के द्वारा सभी कैंडिडेट को बताई हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको मेरा सेशन कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।